अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत किशनपुर गुआगाछी गौड़ मंडली से मंदिर के प्रांगण में श्री श्री 108 अखंड हरिनाम संकीर्तन कृष्ण लीला और यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। आयोजित शोभा यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्लब के अध्यक्ष अनिल यादव उर्फ दिलीप सम्राट के नेतृत्व में हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौड़ मंडली शिव मंदिर प्रांगण में श्री श्री 108 अखंड हरिनाम संकीर्तन कृष्ण लीला और यज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हम लोग यज्ञ कर रहे हैं यहाँ 72 घंटा का 24 प्रहर, उसी के लिए कलश यात्रा निकाला गया है। कितनी कन्याएं शामिल हुई? 500 से 1000 के बीच है। कहाँ तक जाएगा ये गुआगाछी घाट से होते हुए भागी जो होते हुए गुआगाछी जाएगा, गुआगाछी फिर यज्ञ स्थल आएगा। अनिल यादव, कांग्रेस जिला। सर, अखंड हरिनाम कीर्तन विगत वर्षों से होते चले आ रहे थे और बीच में एकाध दो साल डिटेन किया गया और उसके बाद फिर हमारे नवयुवक साथियों ने मिलकर के इस कार्यक्रम का फिर आगाज किया है और बहुत हमारे समाज में सारे व्यक्ति काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हैं। हमारी माँ बहनें, बेटियाँ और हमारे गण्यमान्य जितने भी व्यक्ति हैं सभी इसमें शरीक हैं। तकरीबन 700 से 1000 के बीच अभी तक हमारे पास हैं, लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार जो हमारे पास सूचना आ रही है कि और 500 से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। काफी लंबी कतारें हैं, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें 751 कुमारी कन्याओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। आयोजित इस कलश शोभा यात्रा में शामिल कन्याओं ने पहले गंगा नदी में जल भरा और गुआगाछी किशनपुर सहित कई गांवों का भ्रमण कर मंदिर के प्रांगण में पहुंची। उसके बाद सभी कलश को स्थापित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम 29 नवंबर तक चलेगा और 30 नवंबर को कुंज भांग होगा। आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ये अखंड हरिनाम संकीर्तन बरसों बरसों से आ रहा है, हमारे जन्म से पहले से उसको हम लोग निभा रहे हैं, चला रहे हैं और ये यज्ञ भी इसके साथ है, हवन भी है, अखंड कीर्तन है। यहाँ से गंगा माई के वहाँ से चलेंगे हम लोग वापसी, फिर शिव मंदिर होते हुए या भागीडीह होते हुए गुआगाछी होते हुए हम लोग फिर वापस फिर शिव मंदिर गुआगाछी गौरमंडली के समीप में हम लोग इसको कलश को जो है विराम देंगे।
और यही मेरा काम। प्रत्येक वर्ष इस बार तो बहुत दिनों से हुआ, ये हमारे युवक लोग हैं, हम लोगों से जूनियर लोग जो हैं ये हैं, हम लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। विशेष हम लोगों का युवक का बहुत बहुत अहोभाग्य है जो कि इस कार्य को फिर पुनः जो है इसे चालू किया है, कब तक 20 वर्षों के बाद। क्या परिचय आपका? मेरा नाम इंद्रदेव मंडल।